Hello everyone, very good morning. Welcome to the Hindu newspaper analysis along with Indian Express. आज है December 14, 2022, दिल्ली एडिशन हम कवर कर रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस में हम कवर करेंगे एक्सप्लेन सेक्शन, इकोनॉमी पेज एंड एडिटोरियल, सो दैट अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू इज प्रिपेयर्ड एवरी डे. दो ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम परस्पेक्टिव से, बाकी आपको स्टैटिक भी पढ़ना होता है. लेकिन इन दोनों पेपर में ऐसा क्या है जो बहुत ज़रूरी हो जाता है इनका कॉम्बिनेशन, तो द हिंदू का मैं बता दूं कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड इसका ओरिएंटेशन होता है और इंडियन एक्सप्रेस ये रिफॉर्मिस्ट है थोड़ा सा, ठीक है. तो ये लेफ्ट और ये रिफॉर्मिस्ट राइट वगैरह ये सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. ये गवर्नमेंट को द हिंदू थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देता है और इंडियन एक्सप्रेस भी करता है क्रिटिसाइज, लेकिन इतना नहीं, ये रिफॉर्म्स ज़्यादा सजेस्ट करता है. तो इन दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लेफ़्ट राइट की शुरुआत कैसे हुई थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन मन में आता है. तो क्या हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है, तो उसके बाद जो असेंबली, नेशनल असेंबली बैठती है, उसमें ये जो स्पीकर है, ये जैसे इस तरीके से सभा बैठती है, सब सामने की तरफ मुख करके बैठते हैं स्पीकर के, तो उनके जो राइट साइड में बैठते हैं वो राजा के सपोर्टर्स होते हैं, ठीक. और इनके जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो बिल्कुल रेडिकल्स होते हैं, बदलाव लाना है, सब कुछ परिवर्तन कर देना है, रिवोल्यूशनरीज. तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट. राइट मीन्स कंजर्वेटिव्स, ठीक है, जो स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं, जैसा है वैसे ही रहने दो, राजा का गुणगान करते हैं, कल्चर को सपोर्ट करते हैं. और लेफ्ट जो है सब बदलाव, सब कुछ बदल दो. और फिर इसके बीच में एक आइडियोलॉजी होती है, वो सेंटर होती है, ठीक है, ना इधर के ना उधर के, मतलब मिडिल पाथ, सब कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं. तो हमको थोड़ा सा क्या है, दोनों तरफ देखना है. और पॉलिटिकल पार्टी कौन राइट है इस कंट्री में, तो लेफ्ट तो हम सभी जानते हैं CPI लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, राइट में BJP आप कह सकते हैं, और सेंट्रिक कौन है, पर ये एक्चुअली सेंट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ्ट सेंट्रिक है, कौन, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इस तरीके से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप समझें, लेफ्ट राइट, तो कांग्रेस थोड़ा सा यहाँ है, ये सेंटर है, सेंटर में अभी एग्जैक्टली कोई नहीं. चलिए ये थोड़ी सी अवेयरनेस. उसके बाद पहली न्यूज़, चाइनीज ट्राइड टू चेंज LAC स्टेटस को. LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर डिसाइड करती है इंडिया चाइना के बीच में, और ये पूरा रीजन जो इंडिया और चाइना के बीच है, ये तिब्बत है, तिब्बत भी चाइना का पार्ट है, तो उसी एरिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं. लेकिन हर जगह डिस्प्यूट नहीं है, कुछ 19 स्पेसिस आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं है तिब्बत रीजन के सटे हुए एरियाज पे. चाइना ने LAC को कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया, उनका कहना है ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था. लेकिन इंडिया ने कहा जब ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था तब तो सबको एक्सेप्टेबल था, अब अचानक से क्या हो गया. उन्होंने कहा कि तब तिब्बत हमारा पार्ट नहीं था, अब तिब्बत हमारा पार्ट है, ठीक है, तो इसमें सुधार होना चाहिए. लेकिन उनके क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं, अब उन्हें पूरा अरुणाचल प्रदेश चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि हम पूरा पूरा स्टेट ही उन्हें दे दें. और वो थोड़ा ईगरनेस भी नहीं दिखाते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर सकें. बाकी दूसरी कंट्री से तो उन्होंने कर लिया है, कुछ 14 कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इंडिया के साथ वो हमेशा समय समय पर ये चीज़ें करते रहते हैं. अक्साई चीन ऑलरेडी उन्होंने हथियार रखा है 1962 वॉर के बाद, ठीक, तो अक्साई चीन उनके कब्जे में है जो पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था. तो ये घटना है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग रीजन है, जो ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ इस तरीके से मैप है, ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा इधर, और ये भूटान है, ठीक. तो भूटान और चाइना और अरुणाचल प्रदेश के इधर बिल्कुल सटा हुआ रीजन है ये तवांग, थोड़ा आइसोलेटेड टाइप का है. वहाँ पे ये डिस्प्यूट हुआ, क्लैश हुआ, कुछ चाइनीज सोल्जर्स आए वहाँ, लेकिन इंडियन आर्मी
इनपुट्स पहले से मिल चुके थे खुफिया एजेंसीज के द्वारा। वो पूरे तैयार बैठे थे, बोले आओ हम बताते हैं, और वही हुआ, दे रिपेल्ड द चाइनीज फोर्सेस। ठीक है, बिफिटिंग रिप्लाई दिया, और वही जो बदला है एक तरीके से गलवान का, जून 2020 में हुआ था ये गलवान में, अब उसके बाद ये देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे एडिटोरियल से आज उसको कवर करेंगे। तो राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कि चाइना है जो जिसने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, स्टेटस को मतलब वर्तमान परिस्थिति बदलना चाह रहे थे लेकिन ऐसा संभव ना हो सका। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जज रिक्यूजेज हरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग बिल्किस बानो पिटिशन। बिल्किस बानो जिनके ऊपर गैंगरेप हुआ था 2002 के दंगे के बाद गुजरात में, और फिर आरोपियों को सजा भी हुई लेकिन आरोपियों को जल्दी छोड़ दिया गया, हीरो वेलकम किया गया उनका, वो बात अलग है हीरो वेलकम वगैरह, लेकिन जल्दी क्यों छोड़ दिया गया इसके ऊपर पिटिशन दायर है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, रिक्यूज मतलब हटा लिया है। वो गुजरात से आती हैं, गुजरात हाई कोर्ट से उनका यहाँ पे एलिवेशन हुआ था, तो कुछ उनको लगता है कि उनका जजमेंट बायस हो सकता है, जो भी कारण हो, लेकिन ये प्रैक्टिस पहली बार नहीं, पहले भी ऐसे जज कर चुके हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं मतलब हटा लेते हैं। अब ये आसाम एकॉर्ड, आसाम मतलब 1985 में एक एकॉर्ड हुई थी, ठीक, एकॉर्ड मतलब एक ट्रीटी साइन हुई थी, एग्रीमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उसमें, जो इंडियन सिटीज़न है, आसाम सिटीज़न है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों के अलावा उनको रिकग्नाइज करना था, बांग्लादेशियों को बाहर हटाना था, बाहर मतलब भेजना था वापस। ठीक, तो उसकी कुछ कट ऑफ डेट थी, मार्च 1971 जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, ऑब्वियसली बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया आ गए थे, तो हम चाहते थे कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो बाहर जाएं, तो आसाम एकॉर्ड आई थी। फिर सिटीजनशिप एक्ट आया, ठीक, अमेंडमेंट होके 1955, वैसे प्रॉपर जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 है, लेकिन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक, वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे, और ये बिल पास ऑलरेडी हो चुका है, अब उसकी सुनवाई होनी है 10 जनवरी को, तो बहुत टाइम है, तब ये मुद्दा फिर गर्म होगा, तब डिटेल में देखेंगे। OIC चीफ्स विजिट टू LOC स्पार्क्स फ्रेश क्रिटिसिज्म। अब जैसे LAC पढ़ा तो अब LOC भी जान लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है ये, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर कब बना, जब पाकिस्तान ने 1948 में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की, फिर इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई, हरी सिंह थे जिन्होंने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ, और इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई, और जैसे स्थिति थी, जैसे पाकिस्तान ने ये पूरा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया था जब तक, और फिर इंडियन आर्मी पहुंच गई और उसने स्टॉप कर दिया, तब से लेकर आज तक कभी हम इस एरिया को हथिया नहीं पाए, कभी मौके थे हमारे पास 1971 में, लेकिन हमने डिसाइड किया कि LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही मेन बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन सारी पार्टियां एग्री नहीं है। 1993 या 94 में एक पार्लियामेंट रिजोल्यूशन भी है हमारा जिसमें ये कहा गया है सर्वसम्मति से कि POK इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वी विल नॉट गिव इट अवे। तो LAC है ये मेन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, ठीक, इंटरनेशनल बॉर्डर अभी भी यही माना जाता है। तो ये OIC के कोई चीफ है, और OIC क्या है, 53 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं 53 के आसपास, इस्लामी जितनी भी कंट्रीज हैं मुसलमान धर्म को फॉलो करने वाली, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज में मुस्लिम रिलीजन है, लेकिन ये कंट्रीज के संविधान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस्लामिस्ट है। तो ऐसे कंट्रीज का एक ग्रुप है OIC, उसके चेयरमैन मतलब जो सेक्रेटरी जनरल है
ब्राहिम तहा वो विजिट किया उन्होंने एलएसी पे, तो ये सही नहीं लगा क्योंकि एलएसी, व्हेन इट कम्स टू एलएसी, तो आफ्टर 1971 एक ट्रीटी हुई थी 1972 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें डिसाइड किया गया था जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी दिक्कत होगी एलएसी को लेकर के, वो इंडिया पाकिस्तान का बायलेटरल इशू है, कोई थर्ड पार्टी उस पर इंटरवीन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेवल येट टू शेक ऑफ पेंडेमिक ब्लूज, ब्लूज मतलब दुख है ना, पेंडेमिक की जो दुख थे, दिक्कतें थी, इंटरनेशनल ट्रैवल इस तरीके से तो नहीं ग्रो हो रहा है प्री पेंडेमिक लेवल पे, बट स्टूडेंट्स जो है रिकॉर्ड नंबर्स पे जा रहे हैं, अब बाहर वापस जाना शुरू कर दिया है पढ़ने, पढ़ाई करने। तो जब ऐसा हो रहा था कोविड के टाइम पे, तो मुझे लगा कि भाई अब हो सकता है ब्रेन ड्रेन जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो टैलेंट बाहर जाता है इंडिया में रह जाए, है ना, पहली बार उनके पास मौका है अपने आप को सोचने के लिए कि भाई भारत देश में ही पढ़े, यहीं सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे कोविड चला गया वो सोच भी चली गई, वापस लोग जा रहे हैं, लाइन लगाए, दे आर मेकिंग बी लाइन, यू नो, टू अप्लाई फॉर फॉर यूनिवर्सिटीज, एमएस करने जाते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, और ये डेटा के साथ बताया गया है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ कि पोस्ट पेंडेमिक ये जो साल है 2022 का, तो 11 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 12वां महीना चल रहा है, इसमें कुछ 6.5 लाख स्टूडेंट्स अभी तक स्टूडेंट वीज़ा पे जा चुके हैं, ये ऑल टाइम हाई है। तो ये थोड़ा सा अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब ये इशू है आरिफ मोहम्मद खान, ये दिख रहा है होगा आपको स्क्रीन पर, ये डिग्नेटरी हैं, गवर्नर हैं ये केरला स्टेट के, तो इनको हेड ऑफ वर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज का हेड यानी चांसलर के पद से हटाने के लिए बिल जो है वो पास हो चुका है। अब गवर्नर ही होता है जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, और ये एक विवाद हो गया था, वाइस चांसलर जो 14 वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्हें इन्होंने हटा दिया था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा अब हम ऐसा बिल लेकर आएंगे कि आपको ही चांसलर पद से हटा देंगे। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में एक नया इशू बन गया। ठीक, तो आप देखते हैं, ये बिल तो वहाँ से असेंबली से पास हो गया है, लेकिन जाएगा तो गवर्नर के पास ही, तब क्या होता है वी विल सी। कर्नाटका सेट्स अ पैनल फॉर इंटरनल कोटा फॉर एससीज, जैसा मैं बताते आ रहा हूँ पिछले कुछ दिन से, दलित अलायंस बना हुआ है कर्नाटका में, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और वो चाहते हैं कि ए जे सदाशिव कमीशन रिपोर्ट जो स्टेट में है उसका रिकमेंडेशन का जो है एग्जीक्यूशन हो, रिक्लासिफिकेशन हो एस सीज का फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। तो ये तो है ही एक इशू, लेकिन इसके साथ एक ब्रॉडर इशू है कि जो एजर्शन है दलित का इस देश में कैसे बढ़ता जा रहा है, और ये अच्छी बात है, पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ रहा है। अब एडिटोरियल है ये, लास्ट में देखेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, न्यूज इन नंबर्स, बैड लोन्स रिटन ऑफ बाय बैंक्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण। ठीक, इन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ बैड लोन्स रिटर्न ऑफ कर दिए गए बैंक के द्वारा लास्ट 5 ईयर्स में। अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि एनपीए डिक्लाइन हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये डिक्लाइन हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? कोई भी लोन जो 90 डेज से ज्यादा किसी को दिया है, और 90 डेज से ज्यादा होने पर जब उसका प्रीमियम नहीं आता या फिर ओरिजिनल अमाउंट वापस नहीं आता, तब ऐसा मान लिया जाता है कि वो तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। कई मेजर्स लिए जाते हैं, फिर रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई पैसा ऐसा भेजते रहो, प्रीमियम जमा करो, लेकिन वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। तो पिछले दशक में हमने देखा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये एक सवाल उठाने लगा था पूरे सिस्टम पे। फिर उसके कई कारण थे, जैसे
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, वहाँ से नेताजी का फ़ोन आता था मंत्री जी का कि ये इस फलाने फलाने कंपनी को इतने करोड़ दे दो। फिर दूसरा कारण था कि कंपनी जिसको हज़ार करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए दिए जाते थे, उस कंपनी का दिवालिया हो जाता था, किसी स्कैम में फंस जाती थी, या उसके जो मालिक हैं वो फ़ौरन भाग जाते थे घोटाला करके। फिर उसके बाद इकोनॉमी अगर बूम नहीं कर रही है और आपने लोन दे रखा है, ठीक है, रिसेशन वगैरह आ गया, पेंडेमिक वगैरह आ गया, तो उसमें भी काफ़ी घाटा होता है। पेंडेमिक का हालांकि इतना असर नहीं हुआ क्योंकि वंस बिटन ट्वाइस शाय, ये एनपीए का इशू प्री पेंडेमिक ही था, बहुत ज़्यादा हमने प्रयास किए थे। तो ये अलग ही टॉपिक बन जाता है डिस्कस करने के लिए। मैं कवर करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक हर दिन, ठीक है, 15th से स्टार्ट करना है मुझे, देन वी विल सी। तो ये न्यूज़ है कि बैड लोन्स यानी कि एनपीए वगैरह जो हो जाते थे लोन, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया 10 लाख करोड़ के आसपास। तो न्यूज़, हाँ न्यूज़ में बता रहा था कि एनपीए बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। ये अच्छी खबर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए डिक्लाइन हो गया है और ये कंट्रोल लेवल पे है। तो जो दिक्कत पहले थी अब वो ऐसी नहीं है, सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ही बताया था उस टाइम पे। लेकिन अब वो धीरे से कह रहे हैं कि ये बैड लोन्स को रिटर्न ऑफ किया गया। रिटर्न ऑफ क्या होता है कि देखिए बैलेंस शीट होती है किसी बैंक की, उस बही खाता जिसे कहते हैं, इसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे जितने भी लोन दिए रहते हैं उनका रिकॉर्ड होता है उसमें। जो एनपीएस है अगर वो है तो वो ऑब्वियस सी बात है घाटा दिखाएंगे, प्रॉफिट है अगर तो एनपीएस की वजह से ओवरऑल ये घाटा दिखता था। लेकिन आपने क्या किया, ये जो एनपीए है इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं, जो उनका यही काम है, बैंक से कुछ जो एनपीएस हैं उनका पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं और फिर अपने स्तर पे वो वसूल करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट जो बैंक की है उससे ये एनपीए निकल जाते हैं, तो उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो अच्छा दिखता है, ठीक, उनका जो लॉस है वो लॉस पे फिर वो काउंट नहीं होता। अब तो बैलेंस शीट में रहा ही नहीं, एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि हाँ एनपीए था लेकिन अब एआरसी को दे दिया है। प्रेजेंटली हमारे पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जो लॉस, मतलब क्या बोले, अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है, लॉस छिप जाता है। तो आप चाहे कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, दिक्कत तो यही है कि जो लोन दिया था वो तो गया है, अभी भी आया नहीं है, और एआरसी सालों लग जाते हैं इनको वसूली में, ठीक, कभी कभी मिलता भी है कभी नहीं मिलता। तो ठीक है, एक सिस्टम को क्लीन दिखाने की कोशिश है, लेकिन ये बहुत अच्छा डाटा है, काम आएगा। मोर देन 20 मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया दिस ईयर, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक क्या होते हैं, जो एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं, ये ज़्यादातर नाइजीरिया में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन इसका ओरिजिन डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी अफ्रीका से हुआ था। 1958 में ये मंकीज में पाया गया और 1970 में ये ह्यूमंस में पाया गया डीआरसी में। फिर उसके बाद हर जगह फैला, मेनली वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका कंट्रीज, जहाँ पे नाइजीरिया भी है। वर्ल्ड मैप जब हम देखेंगे तो वी विल सी ऑल द कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑब्वियसली। तो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस का है और पोक्स वेरिडी फैमिली का ये मंकी पॉक्स वायरस, एक्सक्यूज मी। तो ये कहते हैं कि एनिमल्स नोन टू बी सोर्सेज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इंक्लूड मंकी एप्स एंड ए वैरायटी ऑफ रोडेंट्स, मतलब रैट, माइस, क्विरल्स, ठीक है, और रैबिट्स। तो मंकी पॉक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंकी से ही आ रहा है, ये रोडेंट से भी फैल सकता है, ह्यूमंस पे फैलता है। लेकिन ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मंकी पॉक्स कैन बी यू नो इन्फेक्टेड टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को भी ये प्रभावित करता है और उनकी जान भी ले लेता है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में उनका ट्रांसमिशन नहीं होता, जैसे लंपी वायरस अभी जो गायों के ऊपर था वो इंसानों पर नहीं फैलता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। सिम्टम क्या है, एक रैश दैट लुक लाइक अ चिकन पॉक्स, उसके जैसा ये हो जाता है, ठीक है।
और मंकी पॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बिकॉज लिम्फ ग्लैंड गेट्स इनलार्ज। मंकी पॉक्स में जो ये है ना रैश जो होते हैं रैशेस वो बड़े हो जाते हैं, लिम्फ ग्लैंड जो है बड़ी हो जाती हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि स्मॉल पॉक्स है कि नहीं। जैसे छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो दैट। ट्रांसमिशन बताया जैसे मैंने कि ह्यूमंस में फैल सकता है और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड फ्लूड बॉडीली फ्लूड और म्यूकोसल लेजन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल वहाँ से फैल सकता है। म्यूकस वही जो अंदर ये हम लोग नाक नासिका पे जो एक येलो येलो पदार्थ होता है ना, जहाँ पे जब सांस लेते हैं हम तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो चिपक जाते हैं, वो ही पढ़ेंगे हम बायो में। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ऑब्वियसली, ठीक है, और इसकी जो 1 out of 10 डेथ्स अगर इन्फेक्टेड होता है तो ये बहुत कम है वैसे, लेकिन होती है डेथ्स स्मॉल पॉक्स से, मंकी पॉक्स से, ठीक है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, ये भी हमें जानना है, ठीक है। आई थिंक इट्स सफिशियंट मंकी पॉक्स। तो अब न्यूज़ थोड़ा देखते हैं कि क्या है न्यूज़, कि मोर देन 20 मंकी पॉक्स केसेस इंडिया में पाए गए इस साल। तो ये हमने देख लिया है अभी कि 20 केसेस से ज़्यादा अभी साल देखे गए मंकी पॉक्स के, तो इंडिया में भी है प्रेवलेंस। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स रिमेन वैकेंट इवन आफ्टर काउंसलिंग। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल सीट्स होती हैं वो खाली पड़ी हुई हैं काउंसलिंग के बाद भी, ऐसा बताया गया पार्लियामेंट। ओनली 2% ऑफ साइबर क्राइम कंप्लेंट्स गेट्स रजिस्टर्ड एज FIRs। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग साइबर क्राइम्स, कि हम और आपके साथ, मेरे साथ तो एक दो बार हुआ था फ्रॉड करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इसको रिपोर्ट नहीं करने की सोची कि भाई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है तो कौन झंझट में पड़े FIR वगैरह करे। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। तो मेरी गलती थी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने एक्शन नहीं लिया। आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा तो ये एस्पेक्ट मत भूलिएगा जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं साइबर क्राइम के, कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए। ये भी आप लिखें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, FIR रजिस्टर होने चाहिए, कि क्योंकि ओनली 2% ऑफ साइबर क्राइम कंप्लेंट FIR के तौर पर दर्ज की गई, जो अच्छी बात नहीं है, नहीं तो बढ़ावा मिल जाएगा ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को। FCRA लाइसेंसेस टू NGOs कैंसल ड्यू टू एलिज्ड वायोलेशन ऑफ लॉ। FCRA एक ऐसा लॉ है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, जो NGOs को कंट्रोल करता है, उनकी फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करता है, और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। एनालाइजिंग यूएस चाइना बायलेटरल टाइज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। अप्रोर इन पार्लियामेंट ओवर इंडिया चाइना क्लैश। ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी हैं, विपक्ष को भी पूरा अधिकार है सच्चाई जानने का, और हमें भी पूरा अधिकार है उनकी बहस जब हो तो हम भी जाने आखिर हुआ क्या, ठीक है। चाइना जैसी कंट्रीज तो है नहीं हम कि सब कुछ दबी में हो जाता है। तो ये न्यूज़ थी, अब इसके एडिटोरियल्स भी हैं, वी विल सी। अपोजिशन रिमाइंड्स गवर्नमेंट ऑफ नेहरू स्टैंड ड्यूरिंग 1962 वॉर। तो एक सटायना जो सेज है उनकी एक कहावत है, ठीक है, कोट है उनका, कि द वन हु इग्नोर्स हिस्ट्री इज अ कंडेम्ड टू रिपीट इट अगेन। ठीक, अगर आप इतिहास इतिहास को भुला देते हैं तो हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहरा दे अगर आप उससे सबक नहीं लेते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे का कोट था, मैंने यहाँ पे इसको सटीक पाया कि अपोजिशन का भी यही कहना है कि नेहरू गवर्नमेंट ने भी इस तरीके का स्टैंड लिया था कि सीक्रेट मीटिंग जो थी सारी पार्टियों की, उसको रिजेक्ट कर दिया था कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये क्लैश जो हुआ है ये सब ठीक है, चलता रहता है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो अपोजिशन का कहना है कि नेहरू गवर्नमेंट ने ये गलती की थी, उसका परिणाम हमने भुगता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट, हाउस पैनल फ्लैग्स कैजुअल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ओवर सेटिंग अप डिसेबिलिटी सेंटर्स। हमने देखा कि कल की न्यूज़ थी कि डिसेबिलिटी सेंटर जो हैं बहुत कम हैं इस कंट्री में व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटीज़, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है इस तरीके का जो
लैकडेस्कल अप्रोच है गवर्नमेंट की कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC ये है ही नहीं। ठीक है, टारगेट कितना है 269 का और है अभी 55 to 60 ओनली। तो ये कैजुअल अप्रोच जो गवर्नमेंट की है उसको स्टैंडिंग कमिटी जो पार्लियामेंट की है ऑन सोशल जस्टिस, उन्होंने कहा है कि भाई इज सम वॉट कैजुअल इन इट्स अप्रोच टू कम्प्लीट दिस टास्क। गवर्नमेंट को रिप्रिमांड किया है कि भाई कुछ करो इसके ऊपर, ये सही नहीं है। इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है कि जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई अब इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ, अब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी और जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऐसी होती है, आप देख लें। फॉल्सहुड्स बीइंग स्प्रेड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन को लेके काफ़ी बहस चल रही है। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को ये डिमोनेटाइजेशन हमने देखा। ठीक, उसके बाद आज 6 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सच आखिर क्या है उसे जानना चाहते हैं लोग। तो ये अपोजिशन MP हैं, सांसद महुआ मोहित्रा, अक्सर न्यूज़ में रहती हैं तृणमूल कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि काफ़ी लाइज फैलाए गए, झूठ बोला गया डिमोनेटाइजेशन को लेके, बट अब ये मुझे तो नहीं लगता अब इतना इम्पोर्टेंट रह गया है। ठीक, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ हालांकि आ जाता है तो हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इट्स टोटली यूजलेस। FCRA लाइसेंस ऑफ 1811 NGOs कैंसल्ड इन 3 ईयर्स। गवर्नमेंट ने बताया कि FCRA के लाइसेंस जो है NGOs के वो कैंसिल कर दिए गए। काफ़ी तरीके से NGOs भी, ऐसा नहीं कि हर बार ही गवर्नमेंट की मदद करते हैं, है ना, सोसाइटी मदद करते हैं, वो अपना बेनिफिट भी देखते हैं, इनकम टैक्स उन्हें बचाना रहता है। ठीक, करप्शन चार्जेस भी उनके ऊपर रहते हैं, फॉरेन फंडिंग जो लेते हैं तो एंटी इंडिया एक्टिविटी में, ये CBI ने ही कहा है। ठीक, IB की रिपोर्ट्स हैं, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं। ठीक, और वह ऐसे ऐसे संस्थाओं से पैसे लेते हैं जो हमारे ब्लैक लिस्ट में शामिल होती हैं। तो NGOs, when it comes to NGOs, everything is not right, obviously. तो इसी सिलसिले में ये कैंसिल हुए हैं कुछ लाइसेंस। अब ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री इवेट्स डायरेक्ट रिप्लाई ऑन डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल। तो देयर आर 12 शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, वो बढ़ के अब 12 हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हैं टोटल। तो 8 के बाद 9 शेड्यूल में वो शेड्यूल होते हैं जो लैंड बेस्ड लॉ जो बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें इसमें डाला जाता है जिससे सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई ना हो सके, वो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सब कहने की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाए रिव्यू करने के लिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ें गलत भी आप थोड़ी 9 शेड्यूल में डाल दोगे। अगर कुछ ऐसा लॉ है जो हमारे राइट्स को, सिटीजन के राइट को इम्पैक्ट कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ एवरी राइट टू हियर दोज लॉज। ठीक है, तो ये सब, लेकिन है ये शेड्यूल, ये आप जान लीजिए। फिर 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 10th शेड्यूल इज अबाउट जो एक लॉ लेकर आए थे राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, है ना, आया राम गया राम पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, उससे रिलेटेड है। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल इज अबाउट एंड 12th शेड्यूल इज अबाउट PRIs एंड ULBs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक, लेकिन हमारा कंसर्न है यहाँ 6th शेड्यूल। तो ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये ट्राइबल एरियाज के लिए है। ये ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है समय समय पर, और ये कुछ 10 स्टेट में फैला हुआ है। लेकिन 6th शेड्यूल जो है इसको आप कैसे याद रखेंगे? ममता से याद रखें, ममता ममता, ये शॉर्टकट है, M फॉर मिजोरम, ठीक है, M फॉर अगेन मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, A फॉर आसाम। इन चारों स्टेट पे परमानेंटली ये बता दिया गया है कि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं और इनको स्पेशल फंडिंग मिलेगी,
यहाँ के जो गवर्नर होंगे उनको स्पेशल पावर है रेगुलेट करने का ट्राइबल एक्टिविटीज़, ठीक है, लैंडिंग और लैंड ट्रांसफ़र एवरीथिंग, और पार्लियामेंट भी इसमें दखल नहीं देगा ज़्यादा, ठीक। प्रेसिडेंट स्पेशली फोकस्ड होंगे इस एरियाज़ के लिए। तो कुछ डिमांड चल रही है, ये जैसे आप बैनर देख सकते हैं कि ये चाहते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है बाइफरकेट होने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट से, तो वो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूडेड हो। और ऐसा लगा कि गवर्नमेंट करने वाली है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इज अवेटिंग द डायरेक्ट रिप्लाई, कुछ जवाब नहीं दे रही है, सस्पेंस बना हुआ है, क्या करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इंडिया हेड्स आउट एट OIC, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। इंडिया यूके FTA टॉक्स रीस्टार्ट विद गोयल, बेडेनॉच मीट, FTA की डिस्कशन चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देर आर लॉट ऑफ यू नो बज अराउंड इट FTA, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन की एग्जिट हो गई यूरोपियन यूनियन से, तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये क्या हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी पोलराइजेशन हो गया यूके में, और जब रेफरेंडम हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेग्जिट को सपोर्ट किया। उसके बाद सच्चाई कुछ और निकली, पता चला कि लॉस एक्चुअली ब्रिटेन को हो रहा है। लेकिन अब तो लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब नए जो जगह हैं उन्हें तलाश की जा रही है कि जहाँ से ब्रिटेन को फ़ायदा हो सके, तो इंडिया भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। अगर FTA, और FTA ब्रेग्जिट से पहले भी चर्चा में था, लेकिन अब ज़्यादा फोकस है, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, दे आर ही इज़ होपफुल कि FTA अगर कंक्लूड हो जाता है इंडिया यूके के बीच। FTA होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि आप जो भी एक्सपोर्ट करें और जो भी इम्पोर्ट करें तो मिनिमम ड्यूटी, मतलब मिनिमम क्या, ना के बराबर कोई भी ड्यूटी ना हो, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो यही एक डरावनी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो कॉलोनियल पीरियड में भी कुछ ऐसा था, उनके जो इम्पोर्ट हुआ करते थे वहाँ से जो आते थे सामान, वो उनकी ड्यूटी फ्री हुआ करते थे। एक्सपोर्ट पे बहुत ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन उनकी इम्पोर्ट, पूरा हमारा मार्केट उनके प्रोडक्ट से भर गया और हमें डिपेंडेंट बना दिया। तो चलिए, वो इतिहास से मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो समय बदल गया, जज्बात बदल गए। एक्सक्यूज मी। अरविंदो इंस्पायर्ड मैनी जनरेशंस, लेफ्ट हिज मार्क वेन एवर ही वेंट। मोदी जी ने कहा है कि जो अरविंदो थे, श्री अरविंदो, बहुत अच्छे एक संत भी थे, मॉडर्न संत जिसे आप कह सकते हैं, ठीक, न्यू वेदांता के, और रिवॉल्यूशनरी भी थे, ठीक। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इनकी जो, ये पोएट फिलोसोफर दोनों ही थे, तो उनके जो थॉट्स हैं, कई सारी उन्होंने बुक लिखी है, लाइफ डिवाइन भी उनमें से एक बुक है, और बुक उनकी पूछी जाती है ये बुक किसने लिखी है, ठीक। और एक स्टेट PSC में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कई बार रिपीट हुआ है, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? तो डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन ये अलग अलग बुक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके राइटर अलग है और इसके राइटर हैं श्री अरविंदो। पता नहीं ऐसे क्वेश्चन सेट कौन करता है, बट काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। MPPSC में आ चुका है ये प्री में। तो अरविंदो ने काफ़ी जनरेशन को प्रभावित किया, मोदी जी का ये कहना है, और ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के समतुल्य हैं ये, नेशनलिज्म इनकी आइडियोलॉजी थी, और ये चाहते थे कि राष्ट्रभक्ति बिल्कुल दिल में सबके होनी चाहिए। मदर इंडिया कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया था इन्होंने, कि ये हमारा देश, हमारी माता है, और उसे जंजीरों से मुक्त कराना हमारा धर्म है, ठीक है। ऐसी वर्ल्ड मतलब वसुधैव कुटुंबकम का भी उन्होंने आइडिया दिया था कि एक एशिया में एक इंडिया का एक ऐसा स्थान हो जो दुनिया को बता सके कि हम हमारी माता को कैसा दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो उनके विचार आप पढ़ें, पॉलिटिकल थिंकर्स का एक अलग
प्लेलिस्ट में मुझे लेकर आनी है, बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को अगर आप ये सुन रहे हैं अभी, ठीक है। बिफोर यूपीएससी प्रीलिम एक फुल फ्लेज चैनल हो जाएगा ये, और रिलायबल कंटेंट। नो पैनल फॉर्म टू कंसिडर एससी स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स गवर्नमेंट। हाँ, तो अभी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो दलित हैं, दलितों को शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिला हुआ है और रिजर्वेशन उसी के बेसिस पे दिया जाता है उन्हें, लेकिन जो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, स्पेशली मुस्लिम क्रिश्चियनिटी, तो ऐसे लोगों के अंदर भी दलित वर्ग है, ऐसे धर्म में भी दलित वर्ग है जो जो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें वहाँ भी अभी पाई जाती हैं, तो उनको भी क्या रिजर्वेशन देना चाहिए, एससी का दर्जा देना चाहिए शेड्यूल कास्ट? तो गवर्नमेंट इसके विपरीत स्टैंड ले चुकी है। उसने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्मों के दलित को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले। अगर ऐसा करेंगे जो हिंदू धर्म में रहे, तो हिंदू धर्म की जब बात आती है तो उसमें केवल हिंदूज नहीं, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख ये भी शामिल होते हैं। तो जो लोग इन धर्मों में रह गए और छोड़कर नहीं गए किसी दूसरे धर्म पर, तो ऐसे लोगों के साथ अन्याय होगा, ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टैंड है। तो अभी सुनवाई चल रही है और गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसी कोई कमेटी भी नहीं बनी है जो इस बात को कंसिडर करे और स्टडी करे कि क्या वाकई ज़रूरत है। लेकिन पेटिशनर का कहना है कि भाई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दूसरे धर्मों में उनकी सही नहीं है, तो उनको एससी का दर्जा मिलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इफ सेना फैक्शन डिस्प्यूट नीड्स टू बी रेफर टू लार्जर सेवन जज बेंच। अब ये पहले तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि शिवसेना में जो दो फाड़ हो गई थी, ठीक है, एक हो गए थे जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के शिंदे साहब, उन्होंने खूब सारे एमएलएस को लेके एक अलग ही फैक्शन गुट बना लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जो फैक्शन है वो अभी भी ओरिजिनल फैक्शन है, वहीं से ये ऑफशूट निकले हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है जैसे चिराग पासवान के साथ उनके चाचा ने ऐसा कर दिया था, तो उसका जो सिंबल है पार्टी का, सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हिस्टोरिक लेगेसी है उससे आप वोट गार्नरिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए फाइट हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने को डिसाइड करना है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि किसे मिलना चाहिए, ठीक है, और कौन सही है कौन गलत है, तो इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि शिंदे फैक्शन को ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि अगर ये केस लार्जर बेंच में, तो ये दूसरा पहलू इस खबर का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जब 5 जज बेंच होती है या इससे ऊपर की बेंच होती है, तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और एक बेंच जैसे 5 जज बेंच ने कोई फैसला सुना दिया है, उसको पलटने के लिए लार्जर बेंच चाहिए, वो भी ऑड टर्म्स में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ टाई, कोई एक जज हो जो मेजॉरिटी जजमेंट दे, जैसा कि हमने देखा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में। अगर 6 जज बेंच होगी तो अगर टाई हो गया तो कोई फैसला निकल कर नहीं आएगा। तो 5 जज का फैसला बदलने के लिए 7 जज बेंच, 7 का बदलने के लिए 9 जज और 9 का बदलने के लिए 11। और ये 11 हमने कब देखा था? ये देखा था हमने, इतनी बड़ी बेंच बैठी थी बेसिक स्ट्रक्चर वाले केसेस को सुनने के लिए, वो केशवानंदन भारती केस। तो पॉलिटी का पार्ट है, वी विल डिस्कस, अगर न्यूज़ में कभी आता है देन वी विल सी दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, ये देख चुके हैं हम फर्स्ट पेज में बैकग्राउंड, टीएमसी नॉट जस्ट बंगाली पार्टी, पॉलिटिकल न्यूज। ओके, सो इन दिस पेज ओनली 1/4 ऑफ सैंक्शंड सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ, मिनिस्टर ने बताया है। क्या होता है ना, जब पार्लियामेंट सेशन बैठता है तो सबको फायदा होता है, पूरी डेमोक्रेसी को फायदा होता है, कई तरह के रिप्लाईज मिलते हैं, ऑफिशियल रिप्लाई मिलते हैं, और कुछ डिबेट्स पे हमें काफ़ी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस मिलती हैं कि हाँ भाई एलएसी में ऐसा ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है सवाल जवाब से। तो पार्लियामेंट के सेशन होने चाहिए, ठीक,
तो इसी दौरान क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि ओनली 1/4 ऑफ सेंक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ, इतने ही केवल 1/4 बोले तो 25% सोलर प्रोजेक्ट्स अभी तक जो डिसाइड किए गए थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बाकी का अभी कुछ अता पता नहीं है। तो जब हम कहते हैं व्हेन इंडिया इज कमिटेड टू इंस्टॉल 175,000 मेगावाट यानी 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, और जिसमें से 100 गीगावाट केवल सोलार प्रोजेक्ट से आना है, तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये डेटा आप नोट करें कि नियरली 39,000 मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट की है, बट कमीशन सो फॉर एक्चुअल जो कमीशन हुए हैं वो केवल 1/4 है। वी रीड इट अगेन कि सो फार दी सेंक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स विद द कैपेसिटी ऑफ 39,000 मेगावाट बट ओनली अ फोर्थ हैव एक्चुअली बीन कमीशन, ये आपको नोट करना है। बर्ड हैबिटेट अफेक्टेड, और ये अलग न्यूज़ है कि इन हिज रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल इश्यूज मिस्टर सिंह मेंशन, सिंह बोले तो आर के सिंह ये रिन्यूएबल मिनिस्टर है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, राज्यसभा में उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज की जब हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इशू, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया कोई प्रोजेक्ट टाइगर जैसा कोई ऐसी स्कीम लेकर आइए और इन्हें बचाइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, इन रिसेंट ईयर्स हैबिटेट ऑफ GIB है ना, दैट नंबर लेस देन 200 राजस्थान हैज बीन इंक्रोज्ड अपॉन बाय सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। सोलर पावर प्रोजेक्ट जब लग जाते हैं तो जंगल वगैरह एरिया में रहते हैं, सुनसान एकांत में, बंजर एरियाज में, पहाड़ों में, ठीक है, तो वो GIB का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, ये उनके उनका घर है। अब वैसे सोलर प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे तो लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह होंगी, तो उनका जो हैबिटेट है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखिए ये इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट कि हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी किस लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वाइल्ड लाइफ भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा बैलेंस स्थापित करके चलना होगा। तो ये जो पहलू है GIB का सोलार प्रोजेक्ट के साथ, इसका कनेक्शन मैं तो कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दिमाग में बैठाए रखिए, कहीं ना कहीं एडिटोरियल में आप देखेंगे ज़रूर, हो सकता है न्यूज़ ही क्यों ना आ जाए। कॉलेजियम रिकमेंड्स 5 जजेस टू टॉप कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम अभी भी उसी स्तर पर चल रहा है, भले कितने सवाल उठे इसके ऊपर, लेकिन इट्स अ लॉ ऑफ लैंड, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कि कुछ सुधार नहीं होता है ऐसा ही चलेगा। उन्होंने कुछ नाम नए नाम सुझाए हैं, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए हो सकता है, जब अपॉइंटमेंट होगा तो हम देखेंगे, अभी केवल रिकमेंड हुए हैं। कास्ट सेंसस इज इंपरेटिव, अपोजिशन MP स्ट्रेस इन राज्यसभा, कास्ट सेंसस के पीछे पड़े हुए हैं लोग कि भाई 1932 में जब लास्ट टाइम हुआ था ये कास्ट सेंसस, तो फिर से क्यों नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कास्ट का सेंसस कराएं हम, अच्छा पूरी कंट्री फिर कास्ट रिडन माइंडसेट में ऑलरेडी है, कास्ट सेंसस हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाएंगी, जो डोमिनेंट कास्ट होगी उसी उसी की बातें होंगी, पूरा समाज बट जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन अपोजिशन पार्टी चाहती ही नहीं, हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिटी कितनी पिछड़ी है, तब ना उनके पीछे लड़ सकें। तो दोनों पहलू हैं इसके। स्टैन स्वामीज कंप्यूटर वॉज हैक्ड सिंस 2014, भीमा खड़गे गांव केस हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें ये एक्यूज थे फादर स्टैन स्वामी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड की वजह से, मेडिकल कंडीशंस थी। तो इसकी एक फॉरेंसिक जांच हुई US में उनके कंप्यूटर की, तो उन्होंने बताया कि उन पर एक वो क्या डिजिटल सॉफ्टवेयर कुछ डाला गया था स्पाइंग के लिए, हैक किया गया था उनके कंप्यूटर को। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। भीमा खड़गे गांव केस क्या है कि आज से कुछ 100 साल पहले मराठा फोर्सेस के ऊपर जीत हुई थी एक दलित रेजिमेंट की जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम करती थी। तो देखिए किस तरीके से चीज़ों को भुनाया जाता है,
दलित रेजिमेंट, एक मतलब एक रेजिमेंट जिसमें दलित काफी ज्यादा मात्रा में थे और वो थी ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश फोर्सेस, सब कुछ उन्हीं के छत्र छाए में ये लड़ाई हुई, भीमा खड़गे गांव और मराठास की हार। ठीक, तो इनको मतलब कास्ट आइडेंटिटी, इससे प्राइड जो है इससे बूस्टअप हुआ और इसको रिमेम्बर मतलब को रिमेम्बर करने के लिए उस टाइम B.R. अंबेडकर भी गए थे। तो हर साल इस तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, वहाँ पे काफ़ी दंगे फसाद हो गए। ठीक है, मराठास जो फॉरवर्ड कास्ट है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इस तरीके सेलिब्रेशन ठीक है करिए आप, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, लेकिन उन्होंने दलितों को कहना था कि नहीं तुम होते कौन हो। तो मतलब इस तरीके से लड़ाई उड़ाई हुई और केस रजिस्टर्ड हुए, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, तो यही ये भाई साहब अरेस्ट हुए, अब उनकी डेथ हो चुकी है। 150 ईयर्स ऑफ कोलकाताज आइकॉनिक ट्रैम टू बी सेलिब्रेटेड। ये ट्रैम दिख रहा है आपको, ये ट्रेन जैसे होते हैं, ये कि पटरी बिछी होती है और ये साइड बाय साइड कार बस के चलते हैं, एक तरीके की बस ही है ये। तो इनके 150 साल हो गए, उसको सेलिब्रेट करने की कुछ योजना है। वर्ल्ड अफेयर्स, चाइना अर्जेस सिटीजन्स टू लीव। अफगानिस्तान में कुछ ताज होटल जैसा हमला हुआ है ना काबुल में, चाइना के लोग बहुत जाते थे उस होटल में और फॉरेनर्स और भी थे, काफ़ी भयावह पिक्चर्स हमने देखी वहाँ की, लोग खिड़की से लटके हुए थे। तो सेम वैसे ही हमला हुआ जैसे होटल ताज में हुआ था 2008 में। बाकी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऊपर कुछ नहीं है इतनी। बांग्लादेश अरेस्ट चीफ ऑफ लार्जेस्ट इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी ने अनाउंस किया था कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, तो अपोजिशन जो वहाँ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उन्होंने ये बुलाया था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो जमाते इस्लामी उसको ज्वाइन करना चाहता था। जमाते इस्लामी इज इस्लामिस्ट बॉडी, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, तो अगर ये किसी को सपोर्ट कर देती है, BNP पर इसका सॉफ्ट कॉर्नर है, आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल विश्व हिंदू परिषद अगर वो देशव्यापी कोई आंदोलन करती है और BJP जो अगर कभी सत्ता से बाहर रही है ना और उसने ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बुलाया और BJP सपोर्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं इस देश में हल्का सा एक वेव चलेगी और BJP को सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है ये पावर में आ जाए अगली बार। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि अभी BJP तो ऑलरेडी पावर में है। तो ऐसे BNP है, BNP को अगर जमात इस्लामी सपोर्ट कर देती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, तो वो अवामी लीग की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको डिसप्लेस कर सकते हैं। और BNP खुश नहीं रहते क्योंकि शेख हसीना को प्रो इंडिया थोड़ा माना जाता है उनकी पार्टी को, और BNP थोड़ा एंटी इंडिया स्टैंड लेता है और काफ़ी रेडिकल फोर्सेस इसके सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, इन्होंने तो बायकॉट भी कर दिया था, अभी जो इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ का जनरल इलेक्शन, उसमें इन्होंने बायकॉट किया हुआ है। जनवरी में हुआ था इलेक्शन, आज से एक दो दो साल पहले। नेक्स्ट न्यूज़, मॉडर्ना मर्क सी पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम कैंसर वैक्सीन। कैंसर की वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही है। अब देखिए इतना मतलब खाका तैयार हो चुका है ऑलरेडी वैक्सीन डेवलपमेंट का, तो बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जैसे TB हो गई, कैंसर हो गया, इन सब का भी तो वैक्सीन बननी चाहिए। इतना एफर्ट अगर इसमें भी लगाया जाए तो हो सकता है कैंसर जैसे लाइलाज बीमारियों से बचा जा सके। तो मॉडर्ना मर्क कंपनी जो है, इन्होंने फेज 3 ट्रायल, अच्छा मतलब कई फेजेस होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 जब पहुंच जाता है कोई ट्रायल तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोगों पे एक्सपेरिमेंट इसका किया जाता है। तो जब इस स्टेज पे पहुंचे हैं, मतलब आपने फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लिया है, लैब एक्सपेरिमेंट क्लियर कर लिया है जो जीव जंतुओं पे होता है, फिर उसकी एफिकेसी आप देख लेते हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, अब ये लोगों के ऊपर इसका ट्रायल हो रहा है तो देखना है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। एडमिरल हरि कुमार, अभी हमारे जो एडमिरल हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हरि कुमार, ने कहा है इंडियाज नेवी चीफ विजिट श्रीलंका। हाँ, ये जा रहे हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका भी एक इम्पॉर्टेंट नेशन है,
चाइना वहाँ भी अपनी पैड बनाने की कोशिश कर रहा है हम्बनतोता पोर्ट प्रोजेक्ट उसके थ्रू, और काफ़ी उसने डेट मतलब ऋण दे रखा है श्रीलंका को, पैसे के बोझ तले दबाने की कोशिश है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं श्रीलंका, हमारे नेवल चीफ जा रहे हैं, मतलब ब्रेक थ्रू इन फ्यूजन टेक्नोलॉजी, यस वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में हम इसे देखेंगे, फ्यूजन फ्यूजन में डिफरेंस और ब्रेक थ्रू क्या है ये ब्रेक थ्रू, बस थोड़ी देर की बात है। इंडिया मे बी फर्स्ट टू होल्ड सेटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये बिजनेस न्यूज में पहुंच गए हम। सेटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है, ठीक है, हो सकता है ये फर्स्ट कंट्री हो ऐसा ऑक्शन करने वाली सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। ये TRAI ट्राई 1999 में आई थी। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी है, इसके चेयरमैन है PD वाघेला राइट नाउ, है ना। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी के साथ साथ ये उसका एपेलेट बॉडी है, ठीक है, नहीं ट्राई की एपलेट बॉडी दूसरी है, चलिए बिजनेस पेज पे पहुंच गए हम। इंडिया मे बी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, हो सकता है इंडिया पहली कंट्री बन जाए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के ऑक्शन करने वाली, ऐसा कहा है ट्राई के चेयरमैन ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन PD वाघेला है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। और जिस्ट में ये बात निकल कर आई कि ऑक्शन शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, ट्राई वर्किंग ऑन ऑक्शन मॉडल, एप्लीकेंट्स नीड परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्पेस एंड टेलीकॉम। तो क्या होता है कि अगर आपको कुछ कंपनी खोलनी है टेलीकॉम कंपनी, तो आपको कुछ सेटेलाइट स्पेक्ट्रम बैंड, है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये जो बैंडविड्थ अवेलेबल है डेटा ट्रांसमिशन की, अपलिंक डाउनलिंक, ये बिल्कुल अनलिमिटेड है, लिमिटेड बैंडविड्थ अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी की। तो इस बैंडविड्थ को भी आपस में डिवाइड किया जाता है, इतना इतना बैंडविड्थ आप ले लो, इतना आप ले लो, इतना गवर्नमेंट के पास है, इतना FM रेडियो वालों वाले यूज़ करते हैं, इतना इसरो यूज़ करती है। तो ये अब बैंडविड्थ का ऑक्शन होने वाला है, ऐसा इस खबर से पता चल रहा है। तो ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री होगी, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सेंटर गेट्स 60 करोड़, 60.5 करोड़ फ्रॉम DDS ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अभी क्या क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, है ना, एथेरियम, इथेरियम, ये सब नाम है क्रिप्टो करेंसी के, टेथर। तो क्या हुआ कि इंडिया में इसको डिस्करेज करने के लिए एक हाई टैक्स लगाया गया, 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट्स। तो जितना प्रॉफिट कमाया तो आप गवर्नमेंट को दे दो, जिससे आपका लॉस हो और आप इसको छोड़ दो। लेकिन साथ ही साथ इसमें TDS टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, TDS का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब कुछ नहीं कि जहां से पैसा आपका जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, वहीं पे पैसा दो, जिस जिस स्टेज पे आप पैसा जनरेट कर रहे हो उस स्टेज पे पैसा दो। इसका कुछ इन्होंने 1% TDS लगाया था, और उसी के बारे में बात हो रही है कि TDS में ही इन्होंने 60 करोड़ रुपए कमा लिए क्रिप्टो करेंसी से। तो TDS थोड़ा क्लियर हुआ आपको, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से एक जुड़ी न्यूज़ थी कि एक FTX करके प्लेटफॉर्म था जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करता था, फॉरेन बेस्ड था ये, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। तो देखिए जो कंसर्न थे RBI के सही साबित हो रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल है ना, इसका कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई सेंट्रल बैंक इसके ऊपर ओवरव्यू नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है ना, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स हैं, तो रिस्क बना रहता है हमेशा।
लेकिन रिस्क ज्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, वो बात अलग है। बट FTX कोलैप्स होने के बाद क्रिप्टो करेंसी के शेयर, मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यूज, वो भी बहुत तेज गति से डिक्लाइन हो गई, लोगों को काफी घाटा उठाना पड़ा। नेक्स्ट न्यूज हमने ऑलरेडी देख ली है, राइटिंग ऑफ द डेट। रियल रेट्स टर्न पॉजिटिव एज इन्फ्लेशन स्लोज, पीक इन व्यू। ओके, इंडियाज रियल इंटरेस्ट रेट हैज टर्न पॉजिटिव। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन इजेज बिलो 6%। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, देखिए कोर इन्फ्लेशन होता है एक, और एक हेडलाइन होता है। प्रिलिम के लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म। कोर इन्फ्लेशन जो है वो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करता है, ठीक है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करता, फूड एंड बेवरेजेस वगैरह, फूड एंड फ्यूल। यस, फूड एंड फ्यूल इन दोनों को ही मेजर नहीं करता, वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन सबको मेजर करता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये कह रहे हैं कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6% के नीचे आ गया है, तो इससे इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, और क्योंकि टास्क मिला हुआ है ना आरबीआई को, 4% वाला बैंड ±2, यानी 2% से लेके 6% तक इनको कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो 6% से नीचे आ गया है तो थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, यही इंपॉर्टेंट था इस खबर में। एनक्लैट अलाउस मैकडी एक्स पार्टनर टू ड्रॉप केसेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। चाइना प्लान्स $143 बिलियन पुश टू बूस्ट चिप्स कॉम्पीट विथ यूएस। यस, चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है, सेमी कंडक्टर चिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, और जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कार मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर जगह इनका इंपॉर्टेंस है। जो डिजिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, तो जो कंट्री इसको बनाएगी चिप को, सेमीकंडक्टर चिप को, उसकी बल्ले बल्ले रहेगी। तो चाइना अब $143 बिलियन पुश देने वाला है, ऑलरेडी ये लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं, अब और बनाने वाले हैं, अब सीधे यूएस से कॉम्पीट करेंगे, है ना, यूएस से कॉम्पीट, मतलब क्वालकॉम हो गया प्रोसेसर, चाहे आपका ये इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, ये कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं चिप्स की ज़्यादा तादाद पे, अब चाइना कॉम्पीट करने वाला है। इंडिया में भी ये प्रयास है, इंडिया में भी इसको हरी झंडी मिल गई है, हम भी अब चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अब बढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ, द हिंदू हमारा हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी पेज है ये। गोल्ड के भाव कुछ इतने हैं, ₹82, ऑयल गिर के $73.50 हो गया है, हो सकता है कि वो जो प्राइस कैप है रशिया वाला उसका कुछ इंपैक्ट हो। ऑफेंसेस डिक्रिमिनलाइजेशन सेटिंग अप ट्राइब्यूनल्स लाइकली ऑन जीएसटी काउंसिल टेबल, 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 17 दिसंबर को, किसकी, जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 269 ए के तहत अपॉइंट की जाती है, एक्सक्यूज मी 279, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत नहीं देना चाहता मैं, थोड़ी सी भी गलती, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया आपको, नहीं, 279A के तहत ये अपॉइंट की जाती है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये सेंटर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को जितने भी हैं उनको बना मिला के ये बनती है सेंटर स्टेट के, और जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसको चेयर करते हैं इस बॉडी को, और ये इसके जिनके जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट भी काट नहीं सकती, पार्लियामेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू यू नो चेंज द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये इंश्योर किया गया था जीएसटी बिल में। और इसमें सारे छोटे से छोटा स्टेट क्यों ना हो, इक्वल वोटिंग राइट होता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि 75% जब तक वोट नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक कोई भी फैसला नहीं लिया जाता, तो 2/3 मेजोरिटी से फैसले होते हैं, लेकिन 75% रिक्वायरमेंट है किसी फैसले को बदलने या उस पर स्टिक रहने की,
तो ये एलिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरीके का वीटो है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। और ये कह रहे हैं कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफेंसेस, जो जो जीएसटी वायोलेशन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो पैटी होते हैं और छोटे होते हैं, उनको डिक्रिमिनलाइजेशन देखना कि किस किस लेवल पे किया जा सकता है ना। और एक ट्राइब्यूनल बनाना जो जीएसटी से संबंधित जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं उसको सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। है, कोर्ट है, इंडियन कोर्ट है, लेकिन जुडिशरी तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। ऐसे में अगर ट्राइब्यूनल आ जाती है तो बहुत सुविधा होगी, जो स्पेसिफिकली जीएसटी रिलेटेड इश्यूज ही सुने। विल अडॉप्ट एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन, डिसाइसिव फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। G20 शेरपा कह रहे हैं कि G20 में हम क्या करने वाले हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है, वी विल सी लेटर। वाई द सडन स्लम्प इन अक्टूबर इंडस्ट्रियल आउटपुट, IIP का डेटा है, NSO डेटा है, ये यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। तो एक ही रीजन होगा, एक दो रीजन, देखते हैं क्या है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ और कंजम्पशन डिमांड जो है वो भी डिक्लाइन हुई, जिससे ये आउटपुट डिक्लाइन हुआ। वही जैसे मैंने कहा था, एक दो रीजन ही है। फिर पैसेंजर व्हीकल होलसेल राइज, नॉट इम्पोर्टेंट। ये इस जगह पर ना हर दिन एक डेटा आता है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होता है, कुछ कुछ नहीं। वैसा नहीं कि डेटा बड़े फैंसी तौर पे लिखा है तो सभी इम्पोर्टेंट है, नहीं, वही डेटा जो हम यूज़ करेंगे वही इम्पोर्टेंट है, बस, दैट्स इट। विल कलेक्ट यूनिफॉर्म एंड हार्मोनाइज्ड एनोनिमाइज्ड डेटा सेट्स। ओके, ये चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं, ये राजीव चंद्रशेखर जो IT मिनिस्टर हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो सेंटर विल सून स्टार्ट कलेक्टिंग यूनिफॉर्म एंड हार्मोनाइज्ड एनोनिमाइज्ड डेटा सेट अंडर नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। क्या है कि एलिगेशन लगता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से डेटा कलेक्ट करती है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डेटा शेयरिंग को लेके प्राइवेसी वायलेशन वगैरह बहुत तमाम इश्यूज हैं। तो इन्होंने क्लियर किया है कि हम जो कलेक्ट करेंगे डेटा वो यूनिफॉर्म होगा, हार्मोनाइज होगा और एनोनिमाइज डेटा सेट होगा, एनोनिमिटी हम मेंटेन करके रहेंगे। पेटीएम बाय बैक एट 8-10 पर शेयर। बाय बैक यहाँ पर एक टर्म है, क्या होता है जब IPO हम देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, मेरा जो कंटेंट मॉन्ग का मैंने कंपनी है इस्टेब्लिश की, फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रोडक्ट्स के, मतलब कंपनी के नाम एक शेयर बेचना चाह रहा हूँ, कुछ शेयर है मेरी कंपनी के, मैं जाता हूँ पब्लिक ले, पब्लिक उसमें पैसा लगाए, पब्लिक कंपनी बन जाएगी, सबका साथ, सबका विकास, सब हो इसमें पार्टिसिपेंट, हमारा भी फायदा हो कुछ, और ठीक है, एक्विजिशन करने में पैसा हमें मिले और जनता का ये फायदा हो अगर पॉपुलैरिटी कंपनी की है तो मैं IPO लेकर आऊँगा। IPO के मैं कुछ दाम तय करूँगा कि मैं 1500 रुपया हर शेयर का दूंगा, ठीक है, इसका प्राइस इतना तय किया मैंने। लेकिन जब IPO खुलता है, पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि भाई नया नया चैनल है कैसे काम करेगा, अप्रिहेंशन होते हैं, तो हो सकता है इसका जो वैल्यूएशन है वो जब IPO खुलता है जिस दिन, ठीक है, अब मेरी तरफ से ये तय है, लेकिन डिमांड के हिसाब से ये इतना नहीं हो पा रहा है, ये 1200 पे आके रुक जाता है, तो मुझे थोड़ा सा घाटा होगा और कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। ये पेटीएम के साथ हुआ है, पेटीएम को लगा कि ये कंपनी बड़ी ज़्यादा है तो उसने वैल्यूएशन ज़्यादा कर दिया अपना और ज़्यादा शेयर के साथ IPO में एंटर हो गए, लेकिन जनता ने रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं दिया और उनको थोड़ा सा कम में इनको आंक लिया, तो घाटा हो गया थोड़ा पेटीएम को, काफ़ी दिन वेट किया, लेकिन अब ये बाय बैक कर रहे हैं शेयर। बाय बैक मतलब वही कंपनी, यानी कि मैंने जैसे 1500 वाला किया था तो मैं ही करूंगा कि अपने शेयर को वापस खरीद लूंगा, मार्केट से शेयर हटा लूंगा और उन शेयर को फिर स्प्लिट करके नए रेट के साथ फिर मार्केट में उतारूंगा। तो पेटीएम ने यही किया है, पेटीएम बायबैक किया उसने 810 पर शेयर के भाव पे। होल स्टोरी यू विल नो समवेयर एल्स। हाई अलर्ट ऑन ड्रग स्मगलिंग, वही उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई मेन आदमी को पकड़ो, ठीक है, जो स्मगलिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे लोगों को नहीं।
आरबीआई रिमूव्स इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन ऑन रुपी एंड डीएफ ट्रेड्स। क्या होता है कि जब रुपया गिरने लगता है या बढ़ने लगता है तो आरबीआई लोकल मार्केट से सेलिंग करता है पैसे की, मतलब अपने डॉलर्स की, और फिर उसको लोकल रुपी में ट्रेड किया जाता है। तो दो लोगों के बीच, दो लोकल लोगों के बीच करेंसी स्वैप वगैरह, डेरिवेटिव्स वगैरह का एक्सचेंज होता है आपस में लोकल करेंसी में, तो उसको एनडीएफ का नाम दिया गया, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। ठीक है, और ये कई सारे मार्केट हैं इंडिया का, जैसे इंडियन रुपी में होता है, चाइनीज युआन में होता है ना, युआन। तो ये लोकल करेंसी का जो ट्रेड है दो पार्टियों के बीच में, उसे एनडीएफ ट्रेड कहा जाता है। आरबीआई भी इसमें पार्टिसिपेट कर देता है कभी कभी, जब रुपया का वैल्यू बढ़ानी या घटानी होती है। ये अलग न्यूज़ थी। अब ये कह रहे हैं कि आरबीआई रिमूव्स इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस, तो उसमें जो कुछ इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन थी उसको अब हटा लिया गया है। ऑब्वियसली रुपया गिर रहा है तो कहीं ना कहीं आरबीआई इज एप्रिहेंसिव अबाउट इट। लेट्स मूव टू एक्सप्लेन सेक्शन, न्यू एलएसए क्राइसिस, वेयर, व्हाई एंड व्हाट नाउ। तो आई थिंक पहले पेज में ही हमने डिस्कस कर लिया था तवांग के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर तवांग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये अच्छा आर्टिकल है, एक्सप्लेन में तो खैर सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये क्लैश हुआ कुछ, ये बता रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोर सीरियस डिस्प्यूट पॉइंट्स। क्यों है? तवांग इज बर्थ प्लेस ऑफ सिक्स्थ दलाई लामा, एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर तिब्बतन बुद्धिस्ट। 14th Dalai Lama took refuge in Tawang after he crossed over Tibet in 1959. जो अभी के दलाई लामा है वो 14th है। तो जब वो भागे थे तिब्बत से, इंडिया में एंटर किया था इन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी तवांग में। तो ये रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर विद इन तवांग देयर आर थ्री एग्रीड एरियाज ऑफ डिफरिंग इंडियन चाइनीज परसेप्शन ऑफ एलएसी। और यहीं पे एक ऐसा सोर पॉइंट है जहाँ पे तीन ऐसे एरियाज हैं जिसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं परसेप्शन डिफरेंस है। चाइनीज कुछ और क्लेम करते हैं, इंडिया कुछ और क्लेम करती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हॉटस्पॉट हो जाता है। तो आई थिंक हमको अपना आंसर मिल गया कि तवांग क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्लैश क्यों हुआ। डोकलाम में भी हमने देखा कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट था, उसमें भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। तो ऐसे कुछ 19 स्पॉट्स हैं पूरे एलएसी में जहां पर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, उनका हिस्टोरिकल कुछ कनेक्शन है, जैसे हमने यहाँ दलाई लामा वाला देख लिया। ठीक है, इसलिए तवांग इम्पॉर्टेंट है। और कुछ हमने 1993-96 में बॉर्डर एग्रीमेंट किए थे, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है कि यूएस चाइना, यूएस इंडिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, तो चाइना ने अभी परसों नरसों कहा है कि ये वायलेशन है बॉर्डर एग्रीमेंट का, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, एलएसी के इतने पास आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो हो सकता है इसी सिलसिले में इंडिया को डराने के लिए ये सब किया हो, लेकिन अभी मुंह तोड़ जवाब उसे मिल चुका है। पेरुवियन वांट्स देयर वीक ओल्ड प्रेसिडेंट गॉन। वी पेरू की कैपिटल लीमा है, पेरू ही वही जगह है जहां पर एल नीनो इसके कोस्टल एरिया में उत्पन्न होता है। एल नीनो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, इसकी वजह से हमारे यहां सूखा के हालात हो जाते हैं, और यही स्थिति रिवर्स होने पर ला नीना के हालात होते हैं जिससे बाढ़ फैल जाती है। तो ज्योग्राफी में जो मानसून को इम्पेक्ट करने वाले दो फेनोमेना इम्पॉर्टेंट है, उसका पेरू कोस्ट से बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो पेरू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑलरेडी करप्शन चार्जेस पे दीना बोलो जिनके जो कॉस्टिलो करके जो प्रेसिडेंट थे उन्हें हटा तो दिया है, लेकिन उसके बाद जो आई हैं एक नई प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल दीना बोलुएरते, उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बोले तुम भी जाओ और इलेक्शन कराओ जल्दी। तो अब इलेक्शन होने वाले हैं पेरू में। फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू, यस। चलिए सबसे पहले तो फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में देख लेते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल
एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें स्मॉल न्यूक्लाई स्ट्राइक करेगा, है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दो न्यूक्लाई में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, U238 है तो ये U232 वगैरह इसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर इस पे जब तक एनर्जी इसकी रहेगी तो ये फिर डिवाइड होगा, है ना, इस कुछ इस तरीके से दो हिस्सों में, फिर ये डिवाइड होंगे कुछ इस तरीके से, तो ये चेन रिएक्शन को जन्म देगा, इसे कहते हैं फ्यूशन। जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता इंटीग्रेट होकर, तब तक ये मटेरियल इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा। इसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है और ये एटम बम, न्यूक्लियर बम का एक कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर बम इसी पे डिपेंड करता है। हम जो नॉर्मली हम सफल हुए हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो यही एनर्जी है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है फ्यूजन का। फ्यूजन का दो आइसोटॉप्स आपस में मिलकर किसी एटम के एक बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इससे भी बहुत ज्यादा, फ्यूजन से तो 1000 गुना ज्यादा। वो एनर्जी अभी मानव के लिए संभव नहीं है, हम इंसानों के पास सफलता नहीं मिली है इसको बनाने की, इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने की। ये एनर्जी सन, सूरज के अंदर प्रतिदिन निकल रही है, फ्यूजन वहां पे हो रहा है। ठीक है, ट्राइट्रियम करके जो एक आइसोटोप हाइड्रोजन का, वो आपस में टकराते हैं और ये इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इंसानी दिमाग वो चाहता है कि हम ये एनर्जी खुद प्रोड्यूस करें और फिर तमाम जो हमारे रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड की वो खत्म हो जाए। तो एक ITER करके एक्सपेरिमेंट चला है ना, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां, अभी उसमें सफलता नहीं मिली है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसका नाम है ITER का, ये फ्रांस में बेस्ड है, काफी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है इसमें, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। 2005 में इंडिया ने ज्वाइन किया था, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है ये, तो वो अपने कुछ सप्लाई करता है कुछ जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है ITER का। तो ये उसके अंदर एक रिएक्टर है टोकोमैक, तो ये आ सकता है एग्जाम में कि टोकोमैक क्या है, वही रिएक्टर ITER, पूरी जो लैब है उसके अंदर एक टोकोमैक है जो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि फ्यूजन रिएक्शन हो जाए, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। स्टिल अ लॉन्ग रोड फॉर दिस न्यूज जो, और ये न्यूज है क्या, US में कुछ ITER के परे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसकी डिटेल वो उन्होंने अभी नहीं दी है, इसी हफ्ते अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू है। अब वो कह रहे हैं तो वाकई मेजर ब्रेक थ्रू होगा फ्यूजन को लेके, वी विल सी दैट। और US में अलग ही एक्सपेरिमेंट हुआ, ITER अलग चल रहा है, तो इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि इस पूरे वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई करें, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग रोड टू गो। अब बढ़ते हैं एडिटोरियल पेज पे, वर्ल्डली वाइज में आज क्या है, सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। अरे ये तो उनकी बात याद आ गई, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जब तक इस देश में सिनेमा है। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, तवांग चैलेंज, ये दो आर्टिकल आए हुए हैं, तो हम जो ऑफिशियल व्यू है इंडियन एक्सप्रेस का वो देखेंगे, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो वी विल स्किप दैट। तो इस एडिटोरियल में क्या है, तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो क्लैश हुआ है December 9 को यांगस्ते रीजन तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के, तो वो उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया डिफेंस मिनिस्टर में कि स्टेटस को चेंज करने की पूरी तैयारी थी, मतलब कि जो जमीन थी वहाँ उसको हड़पने की पूरी कोशिश की चाइना ने, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स लेकर आए थे, है ना, ये इनपुट हमें मिला, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस तरीके से हमने जवाब दिया मुंह तोड़ जवाब, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस तो अच्छी हुई है, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक,
लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि चाइना जो है इंटरेस्टेड नहीं है रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू टॉक्स एंड डिटरमाइंड टू परस्यू ऑलवेज यू नो दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स, जो समय समय पर कभी ईस्टर्न लद्दाख में करता है तो कभी ये ईस्टर्न जो LAC एरिया है उस पर करता है, LAC के ईस्टर्न सेक्टर पे, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है वो पास्ट 32 मंथ्स में बहुत नादिर पे पहुंच चुके हैं। ये संबंध अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली सब जानते हैं। भले ही मोदी जी शी जिनपिंग मिले हों इंडोनेशिया में अभी G20 समिट में, लेकिन फुल फ्लेश्ड उनका डिस्कशन नहीं हुआ, बस हैंडशेक हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल बिटवीन टू नेशंस। और ये ईस्टर्न जो लद्दाख रीजन है, भले ही इतने 16 राउंड्स ऑफ टॉक की बात हुई है, इतने बातचीत का दौर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये स्टेटस को जो अप्रैल 2020 के पहले था वो नहीं अचीव किया है। जो भी उन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया है वो अभी भी उनके पास है, इससे ये समझ में आ रहा है। तो इंडिया को चाहिए कि G20 के जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी एंगेज करने के लिए, बीजिंग के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन हमें नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है। हर इंसिडेंट को हम अलग तरीके से लें, इसकी बजाय हमें एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी, बड़ी स्ट्रेटेजी की कैसे चाइना चैलेंज को फेस किया जाए उस पर काम करना होगा। अब नेक्स्ट एडिटोरियल है इकोनॉमी से, कि ये बता रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन घट रहा है, अभी 6% के नीचे आ चुका है रिटेल इन्फ्लेशन, तो RBI ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं, अभी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो, उस पर भी थोड़ा सा अब ध्यान देना होगा कि ये ऐसे आप बार बार बढ़ाते जाएंगे तो ग्रोथ भी तो है, ग्रोथ भी तो देखना है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो तभी ना GDP बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि केवल मॉनेटरी पॉलिसी से ही ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, कुछ जिम्मेदारी तो नॉर्थ ब्लॉक यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी तो है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस मैंने बताया था एक दिन, कि टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, उसका अगर फिस्कल कंसोलिडेशन होता है तो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उससे भी महंगाई में लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन मॉनेटरी टूल अगर आप बार बार इस तरह से यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो लोन महंगे हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, यही इस पूरे एडिटोरियल का सार है। नेक्स्ट है न्यू मनी चैलेंज, इंडिया शुड लेवरेज इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू पुश फॉर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। यस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कि भले ही RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आए हों, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी हमें स्वीकारना होगा। तो ओवरऑल जो इशू है स्टिल रिमेन्स कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, अभी टैक्स आपने भले लगा दिया 30% के आसपास, 1% TDS लगाया हो उसके ट्रांजेक्शन में, उसके सोर्सेस पे, लेकिन फिर भी लोगों में के बीच वो पॉपुलर है। FTX फॉल हुआ, कोलैप्स ऑफ FTX, सैम बैंकमैन फ्राइड वॉज अरेस्टेड इन बहामास, है ना, FTX का जो फाउंडर था, तो उसकी वजह से कितनी वॉलेटिलिटी हमने देखी, आपने देख ही लिया होगा कितने प्राइसेस गिर गए क्रिप्टो करेंसी के। तो ये सवाल खड़े करता है क्रिप्टो करेंसी पे, और इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इस और क्या है इसका चैलेंज हमारे पास है अभी, और G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास है, तो उसको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि ग्लोबल रेगुलेशन हो क्रिप्टो करेंसी का। क्योंकि अगर आप कंट्री वाइज रेगुलेशन करेंगे तो ये तो पूरा वर्ल्ड व्यापी है ना, विश्वव्यापी जिसे हिंदी में कहेंगे कि ये फेनोमेना है, और एक कंट्री के रेगुलेशन से कुछ नहीं होगा, सारी कंट्रीज को साथ आना होगा। तो जैसे मैंने बताया कि करंट रेगुलेशन जो है वो RBI ने कहा है कि बैंक्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज टू कैरी आउट ड्यू डिलीजेंस इन लाइन विथ KYC नॉर्म्स। क्या होता है जब पैसा ऐसा आप ट्रांसफर करते हो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म में, तो उसमें भी KYC वगैरह लगती है, तो उसमें ड्यू डिलीजेंस ऑब्जर्व करना चाहिए इनको, सारे बैंक्स को, कि RBI की ये गाइडलाइन है। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड प्रयास किया कि बजट 2022-23 में
30% टैक्स की जो मैंने बात की वो भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये सब सफिशियंट नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ, आई रिपीट, कि इंडिया शुड लेवरेज इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू पुश फॉर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। अब इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हो गए हैं, द हिंदू देखते हैं। तो ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है, वी वॉन्ट कवर। ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे वी डिस्कस्ड ऑलरेडी एट लेंथ, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है इस पे, और एक वीडियो सेपरेट में 2-3 दिन के भीतर लाने वाला हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें। इंटरिम रिलीफ ऑलरेडी कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहले इसे देखते हैं, ये एडिटोरियल क्या कहता है। तो ये एडिटोरियल है, वाइल्ड लाइफ बिल जो भी आया है, अमेंडमेंट बिल 2021 राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है। अब ये एक्ट बन जाएगा कुछ दिन में नया, उसमें काफ़ी सेफ गार्ड्स और स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं नॉर्म्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के, और उसके जो और प्रोविजंस हैं इम्पॉर्टेंट, चलिए उसे देख लेते हैं पहले। तो ये PRS लेजिस्लेचर की एक साइट है, ये इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के जितने बिल का कलेक्शन वहाँ होता है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ रेशनलाइजिंग शेड्यूल्स, शेड्यूल को रेशनलाइज किया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। 6 शेड्यूल जो है ऑलरेडी, उसमें वर्मिन के बारे में इन्होंने कहा कि एनिमल्स दैट कैरी डिसीज एंड डिस्ट्रॉय फूड, तो उन्हें मारा जा सकता है। तो नंबर ऑफ शेड्यूल को वो 4 कर दिया, 6 to 4 वो करने जा रहे हैं, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 2, ठीक है। अब क्या 1 से लेके 4 तक, 1, 2, 3, 4, ये सब ऐसे प्रोटेक्टेड एनिमल्स थे जिनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब स्पेशली प्रोटेक्टेड जो है इनको केवल 2 शेड्यूल में रखा जाएगा, 1 फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन लेवल ऑब्वियसली, और दूसरा उससे कम। फिर अब जैसे वर्मिंग का था एज इट इज रखा गया है, फिर न्यू शेड्यूल डाला जा रहा है, ठीक है। अपेंडाइसिस अंडर साइट्स, साइट्स क्या है, कन्वेंशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड स्पीसीज का, तो उनका सर्वाइवल को की दिक्कत ना आए, ये इंश्योर करने के लिए साइट्स आया था। तो उसके के जो स्पेसिमेंट्स हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे, ठीक। अब ऑब्लिगेशन अंडर साइट्स, बिल प्रोवाइड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिजिग्नेट अ मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक, अ साइंटिफिक अथॉरिटी, जो साइट्स के जो क्रियाकलाप हैं, जो इससे रिलेटेड मुद्दे हैं उनको वो हैंडल कर सके, ये भी एक एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि एलियन जो इन्वेजिव स्पीसीज है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके इम्पोर्ट प्रोहिबिट करने के लिए, ट्रेड पोजिशन प्रोलीफरेशन, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया इस बिल ने कि वो उस पर एक्शन ले। अगला, कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और मेंटेन करेगा सारी सेंचुरीज को। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो होता है, ठीक है, ये भी एक प्रोविजन है। कंजर्वेशन रिजर्व्स अंडर द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एरियाज एडजेसेंट टू नेशनल पार्क सेंचुरीज एज कंजर्वेशन रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग फ्लोरा फौना एंड देयर हैबिटेट। तो कंजर्वेशन रिजर्व ऑलरेडी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, लेकिन जो बिल है वो एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उसको आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हैं, नो कंपनसेशन विल बी पेड, आपको कुछ ऐसा रिटर्न में कुछ पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। और कुछ पेनल्टीज हैं जो इम्पोज की जा रही हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है वायोलेशन पे। पहले 1972 एक्ट में 25,000 था, अब 1,00,000 तक हो चुका है। स्पेशली प्रोटेक्टिंग एनिमल है तो तब तो भाई 25,000 है ना, एटलीस्ट 25,000, 25,000 तो होगा, उसके ऊपर का फाइन तो उन्होंने बताया ही नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब चलिए बैक टू आर्टिकल। तो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो जिस तरीके से ये वायलेशन किया गया है, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स वगैरह लाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे एक रिव्यू की ज़रूरत है।
कि मध्य प्रदेश की एक स्टडी है, क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, सीपीए प्रोजेक्ट जिसे कहेंगे हम सब्सिक्वेंटली, तो उसने बताया कि किस तरह छोटे छोटे क्राइम्स के लिए लोगों को अरेस्ट किया जाता है ना, शेड्यूल ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को है ना माइनर ऑफेंसेज में जेल में डाल दिया जाता है। ओवर 95% ऑफ केसेस फाइल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर स्टिल पेंडिंग, अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो बिल्कुल हाई हैंडेडनेस है इन चीज़ों में। फिर एक जो एक एक्ट आया था फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो बताता था लोगों के जो राइट्स हैं कलेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कम्युनिटी राइट्स ऑफ लैंड वगैरह, ये तो उनके जो इनजस्टिस हुई उनके साथ उसको करेक्ट करने के लिए लाया गया था। लेकिन फिर भी कंपेयर करें WPA से तो उसके मुकाबले ये इन्फीरियर हो चुका है एक्ट। WPA अभी भी बहुत पावरफुल है। जैसे कान्हा की एक स्टडी हुई, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये एक फिशिंग कर रहे थे कुछ लोग, मछली मार रहे थे, उन्हें पकड़ लिया जबरदस्ती, उनको पनिश किया गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तो उनका अधिकार है, मछली मार रहे हैं तो वो कब से जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं। तो छोटे मोटे केसेस के लिए इस तरीके का हाई हैंडेडनेस डिटरेंट इफेक्ट जो है फियर कम्युनिटी में आता है, तो इस पर थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने ये भी रिकग्नाइज़ किया है कि जब तक डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल नहीं होगा। कहीं ना कहीं इन क्रिमिनल लॉज की वजह से ही आज स्थिति कुछ, प्रोजेक्ट टाइगर हो चाहे, ठीक है, आपका राइनोज हो, इनका प्रोटेक्शन हुआ है और आगे भी होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बैलेंस अब बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिजल्टेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, हमें सब ध्यान में रखना होगा।